नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। इन दिनों नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री काफी निराश हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा कि उनके सबसे अहम फैसले जो माने जाते हैं शराबबंदी की विफलताओं के कारण अहम बैठक उन्होंने अपने आवास पर पदाधिकारियों के साथ किया और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस शराब का कारोबार गलत ढंग से कर रहे हैं उनका पहचान किया जाए और माफिया तंत्र जो शराब का आपूर्ति बिहार में करते हैं और बेचवाने का काम करते हैं ऐसे लोगों का पहचान करके सख्ती से पालन किया जाए कानून का, और जो पदाधिकारी और जो पुलिस वाले सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शराबबंदी एक नीतीश कुमार जी का असफल प्रयास है, उस असफल प्रयास को सफल बनाने के लिए उन्होंने अहम बैठक अपने आवास पर कर निर्देश जारी किया और उन्होंने पदाधिकारियों को टास्क दिया कि सख्ती से पालन किया जाए कानून का, कौन विभागीय लोग इसमें शामिल हैं, किनके सह पर यह कार्य किया जाता है और शराब दूसरे प्रदेशों से लाकर बेचा जाता है, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब आपूर्ति करते हैं, शराब माफिया क्या पहले करते थे अब क्या काम करते हैं, और शराब कारोबार जो फल फूल रहा है इसे बंद कराया जाए। यह नीतीश कुमार जी के सपना पर पानी फेरने वाला फैसला माना जा रहा है। हर प्रकार के सख्ती के बाद भी बिहार में खुलेआम शराब बेची जाती है और शराब का सेवन लोग करते हैं। यहाँ तक कि पदाधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वह भी शराब पीते हुए पाए गए, आम लोग भी पी रहे हैं। शराबबंदी बिहार में है मगर हर टोला मोहल्ला गांव पंचायत शहरी क्षेत्र हर जगह शराब की होम डिलीवरी की जाती है। आखिर इस शराबबंदी कानून को सख्ती से क्यों नहीं लागू किया गया, आखिर क्या वजह है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बेची जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री लाचार हैं, इस कानून का पालन नहीं हो पा रहा, लाचारी वो दर्शाते हैं और पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं शराब पूर्ण रूपेण बंद होती है? शराबबंदी का फैसला आम लोगों के हित में बेहतर था, लोग यह मान रहे थे कि शराबबंदी हुई तो घरेलू हिंसा नहीं होगी, अपराध नहीं होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, समाज में अमन चैन शांति रहेगी। लेकिन शराब की धड़ल्ले कालाबाजारी के कारण सारे आम लोगों के सपने धरे के धरे रह गए और पदाधिकारीगण चांदी काट रहे हैं कारोबारियों के साथ मिलकर। यह कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट पदाधिकारी बिहार के अंदर में शराब बिक्री को ग्रीन सिग्नल दे रखा है और खुलेआम शराब की बिक्री की जाती है और होम डिलीवरी की जाती है। 100 का 500 में और 500 का 1500 में शराब बेची जाती है। विपक्ष ने भी कई बार शराबबंदी कानून पर आवाज उठाया मगर नीतीश सरकार की नींद न खुली। जब नींद खुली तो वो लाचार दिखे और पदाधिकारियों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। अब देखना यह है
कि नीतीश कुमार जी का यह सख्ती से निर्देश जो दिया गया, क्या शराबबंदी कानून को पूर्ण रूपेण लागू किया जा सकता है? क्या ऐसे माफिया तंत्र पकड़े जा सकते हैं जो दूसरे प्रदेशों से शराब लाकर बेच रहे हैं? क्या ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और ऐसे पुलिस वाले पकड़े जाएंगे जो इस धंधे में संलिप्त होकर चांदी काट रहे हैं? क्या सरकार की मनसा स्पष्ट है कि शराब पूर्ण रूपेण बंद हो? अगर सरकार की मनसा स्पष्ट है, वह सराहनीय कदम है। अगर सरकार की मनसा स्पष्ट नहीं है तो निंदनीय है। तो अब देखना यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और कब पूर्ण रूपेण शराब बेचना और पीना और खरीदना बंद होता है। तो सरकार की प्रयास जारी है। भ्रष्टाचार के लिप्त पदाधिकारी कहां तक सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं, यह देखना रोचक होगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो फ्री है, लाल बटन और बेल आइकन दबा के, और फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।